नेशनल मेडिकल कमीशन को हमने पत्र लिखा था जिसका जवाब 27 मई को आया। हमने दो एक्ट के बारे में बात की, कल एक एक्ट के बारे में बात की। दो एक्ट हैं, एक तो है नेशनल कमीशन फॉर लाइड हेल्थ प्रोफेशन AHP एक्ट, दूसरा नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि MBBS और एलोपैथी वाले डॉक्टरों को देखता है। हम दोनों एक्ट को अगर बड़े गौर से पढ़ा गया तो उसमें एक बंदा है, सेम बंदा जिसको CHP कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर, उसकी पावर एक एक्ट में हमें लगा कि कुछ और है और दूसरे एक्ट में कुछ और है। यही बम्बल भूसा हमें कंफ्यूज कर गया कि एक एक्ट में उसकी पावर इतनी है कि कहीं पे लिखा है कि वो प्रिस्क्रिप्शन तक लिख सकता है, मगर दूसरे एक्ट में इसके बारे में साइलेंस है, यानी कि वो एक सुपरविजन के अंडर काम करेगा। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ही बहुत बड़ी हमारे लिए तो टेंपल ऑफ जस्टिस है, वही बताएगा कि हमारी ये कन्फ्यूज़न। अब दोस्तों, इन्हें कल बताया था कि कुछ एक्ट को 1.5 साल इम्प्लीमेंट करने में लगा, तो ये शुभ चिंतन की वजह से ही होता है। जब तक हम अपनी सजेशन ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते, क्योंकि अगर हर बंदा डरता रहेगा कि मैं ये पूछूंगा तो मेरे साथ ये ना हो जाए, यार सच पूछ रहे हो आप, ये तो नहीं पूछ रहे कि पैसा कैसे 2 नंबर में कमाना है। हम तो एक्ट के अंदर वाली चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन शीशे की तरह पूछ रहे हैं, तो सरकार उसका जवाब देगी, उन्होंने RTA एक्ट बनाया। तो हमने पूछा था गिव ज़ेरॉक्स कॉपी, हमें ज़ेरॉक्स कॉपी दीजिए या इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर मेंशन इन NMC एक्ट, NMC एक्ट में एक सेक्शन में लिखा हुआ है जिसके विरुद्ध बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, डॉक्टर उसके अगेंस्ट थे, हैविंग प्रिस्क्रिप्शन पावर एट प्राइमरी हेल्थ सेटअप, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेटअप में, यानी कि रूरल एरिया में उसके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन पावर होगी, यहीं कहीं पे लिखा है। एंड CHP दैट इज कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर मेंशन इन अलाइड हेल्थ प्रोफेशन एक्ट, क्या उसके पास सेम पावर है? क्योंकि वहां पे तो CHP के बारे में साइलेंस है, लगता है वो सुपरविजन में काम करेगा। प्लीज डू गिव इंफॉर्मेशन एज पर बोथ एक्ट, इट इज नॉट स्पेसिफाइड, दोनों एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि CHP बनने के लिए क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या BMS बन सकता है, BHMS बन सकता है, BDS बन सकता है, 6 महीने या साल कोई रूरल एरिया में प्रैक्टिस कर रहे जो RMP हैं इतने, क्योंकि नीति आयोग का एक लेटर हमने वो ही पूछा था भी, नीति प्लानिंग बोर्ड में अंडर प्लानिंग कमीशन के अंडर कोई लेटर निकला था कि अनरजिस्टर्ड RMP को कुछ करवाया जाएगा, वो लेटर गुम है 33 साल या 40 साल से, जो भी जब भी हमारे पास RTA ही है उसकी YouTube पे डाली है। तो दोस्तों, तो हमने यही चीज़ पूछी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया हुआ दोनों एक्ट्स में कि CHP बनने के लिए क्या 5 महीने 6 महीने MBBS के अंडर काम करना पड़ेगा जिसने किया हो, या जिसको 1 साल की ट्रेनिंग, वो किनको दी जाएगी, 10वीं पास को, 10वीं फेल को, 8वीं फेल को, या रूरल एरिया के बारे में जो ज्योग्राफिकल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के वाकिफ हैं वो, जो कि उस फैब्रिक के ताना बाना है वो, या कोई भी BDS, BHMS या BSc नर्सिंग, क्योंकि CHO जो बन रहा है वो BMS वाला भी बन रहा है, वो जो गवर्नमेंट की पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नेशनल हेल्थ मिशन में आ रही हैं, BMS वाला भी, तो कहीं पे BDS का जिक्र नहीं है उसमें, और भी जैसे फार्मेसी वालों का जिक्र नहीं है, एम फार्मेसी वालों का जिक्र नहीं है, BSc MLT वालों का जिक्र नहीं है, तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं सारी गेम BSc नर्सिंग या BMS की तरफ ना चली जाए, तो बाकी पैरामेडिकल्स भी तो हैं, तो डेफिसिट कैसे पूरा होगा। इस वजह से हमने ये क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब जो आया, क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखिए, और ये यहाँ लिखा हुआ है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कॉपीराइट है, आप अपने कमर्शियल यूज़ के लिए इसको नहीं यूज़ कर सकते,
मैं पहले भी डिस्क्लेमर किया है, अगर कोई इसको यूज करता है अपने इंस्टीट्यूशंस में मनी मिंसिंग के लिए, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपने कोई जवाब लेना है तो खुद ले सकते हो। हाँ, कोई बंदा पब्लिक का जो इनोसेंट है, वो इस चीज से ग्रस्त है, तो उसको वो मेरे से कंसेंट ले और ले सकता है हमारे से फोटोकॉपी। मगर ऐसे बंदा नहीं जो कि जिसके पीछे कोई इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी हो, तो वो इसके जवाब नहीं ले सकता, क्योंकि कई लोग आरटीआई भेजते हैं। यानी कि जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल जिसने उसका आविष्कार किया था उसको तो कोई नहीं पूछता ना। तो रीजन ये है कि जो अपने गले में फांसी जैसे लटका के कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो उसको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा अकेला, तो नेचुरली तो ये कारण बनता है कि हर बंदा उसका हकदार नहीं है आरटीआई का। इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, मगर अगर आप इसको यूज करोगे तो उसको यूज करने से पहले कंसेंट जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन की। तो दोस्तों, आगे से जवाब आया, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन नेशनल मेडिकल कमीशन हैज नो इन्फॉर्मेशन ऑन सेट क्वेरी। जो मैंने पूछा था कि ये CHP की एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर की, जो NMC एक्ट में भी है और नेशनल कमीशन फॉर लाइड हेल्थ प्रोफेशन में भी है। एक जगह पे वो कहीं लिखा है कि प्राइमरी हेल्थ सेटअप में, एक जगह पे लिखा है कि अगर वो प्राइमरी हेल्थ सेट में प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है, मगर सेकेंडरी टर्शरी में किसके अंडर काम करेगा विद स्पेसिफाइड मेडिसन। अब वो खोल के नहीं बताया, अब खोल के नहीं बताया तो इसी चीज़ को पूछना है हमें, लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।